आज मैं मौजूद हूँ पेशावर में। इसके डेवलपर्स कौन है, इसका करंट प्राइस लाइन क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मारिया खान फ्रॉम amanat.com। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ पेशावर में, एंड बेसिकली बाय सेइंग पेशावर से 10 मिनट के फासले में मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ नोवा सिटी पेशावर में, और यहाँ बेसिकली हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए। एक हम लोगों ने टूर की वीडियो शूट की है, कार टूर की वीडियो, जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसी में आप देख सकेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अनदर वीडियो यू विल वॉच। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ नोवा सिटी पेशावर की ए टू जी जितनी डिटेल्स हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि इसके डेवलपर्स कौन हैं, इसका करंट प्राइस लाइन क्या है, इन लोगों का क्या प्लान है अपनी सोसाइटी को लेकर, इस टाइम पे करेंटली यहाँ पर क्या काम हो रहा है, मेरी बैक साइड पे दोनों साइड्स पे इस टाइम पे वैसे काम हो रहा है, और फर्दर मोर इनके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, चाहे आप अपने लिए करना चाह रहे हैं, चाहे आप अपने बेसिकली जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के हिसाब से करना चाह रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। मोर ओवर मैं ये भी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ इस वीडियो में कि कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम टू डू समथिंग, तो इस टाइम पर जो है आई बिलीव जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहले तो खैर मैं स्टार्ट करूँगी ओवरऑल नोवा सिटी पेशावर के डिटेल्स के साथ। तो आप लोग नोवा सिटी पेशावर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा सा मैं और आप लोगों को इसकी लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगी। इसकी जो लोकेशन है वो है नौशहरा और चारसदा इंटरचेंज के बीच में मोटरवे वन के ऊपर, और इतनी इसकी प्रीमियम लोकेशन है, हम लोग थ्रू आउट देखते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने पेशावर भी विज़िट किया है, पेशावर से तकरीबन ये 10-15 मिनट दूर है ऑन कार, और मोटरवे मतलब बिल्कुल डायरेक्टली जो है इस साइड पे आता है। एंड बिलीव मी, जो लोग पेशावर के रेजिडेंट्स हैं, इस्लामाबाद और पिंडी में रहते हैं, और वो किसी ऐसी जगह पे रहना चाहते हों जहाँ उनको पेशावर यानी उनका होम टाउन करीब पड़ता हो, या फिर आप कह सकते हैं और बहुत सी ऐसी डिफरेंट यू कैन से सिटीज़ हैं जहाँ से लोग जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में इस्लामाबाद और पिंडी आके रहते हैं, काम करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। लाइक बिलीव मी, इफ़ आई हैव टू इन्वेस्ट इन सम प्रोजेक्ट आई विल डेफिनेटली चूज दिस वन, क्योंकि इसकी इसका अगर मैं फ्यूचर इमेजिन करूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वन ऑफ द यू कैन से बेस्ट प्रोजेक्ट्स, जिस तरह के अभी मार्केट में आया ही नहीं है, और पेशावर में तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो ये एक इसकी लोकेशन इज़ आई बिलीव इज़ द बेस्ट पार्ट। मोर देन दैट इट इज़ अ कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट, ठीक है। TMA से इसको अप्रूवल मिला हुआ है, उसका आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, TMA का जो अप्रूवल है उसका नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों से कुछ मैं इसकी डिटेल शेयर करूँगी इसके प्राइस प्लान के हवाले से। इस टाइम पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उसकी बुकिंग जारी है, 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की। और 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की अगर मैं आप लोगों से प्राइसेस शेयर करूँ इस टाइम पर, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये बहुत अफोर्डेबल है, बिकॉज डाउन द लाइन 2-3 मंथ्स में आप लोगों को इसकी फ्रेश बुकिंग अवेलेबल नहीं होगी और ये रीसेल पर होगा और प्रॉफिट के ऊपर होगा। जो 5 मरले का प्लॉट है इस टाइम पर वो है 25,50,000 का, ठीक है। 10 मरले का जो प्लॉट है वो है 46 लाख रुपीज़ का, और जो 1 कनाल का है वो है 76,50,000 रुपीज़ का। फर्दर जो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन 5 मरला के लिए जो है 5 लाख 10 लाख में ही कवर हो जाती है। उसके अलावा जो 10 मरला है वो है तकरीबन उसकी भी 4,60,000 तक आप लोगों को कन्फर्मेशन पे करनी होगी, यानी कि 20% अमाउंट बुकिंग के लिए। उसके अलावा 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स है जो कि बहुत अफोर्डेबल है। 5 मरला प्लॉट की जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो है 21,500, 10 मरलास की है 29,500, और उसके अलावा 1 कनाल का जो प्लॉट है उसकी है 44,500 रुपीज़ ऑनली, और उसके अलावा 8 इसकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है। बेसिकली 4 साल का ये पेमेंट प्लान है। ऑन पोजिशन इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं जो कि 1,20,000 को एक्सीड करते हैं 5 मरला के लिए। जो 10 मरला का है वो 2 लाख को एक्सीड करते हैं, और फर्दर मोर जो 1 कनाल का है उसके डिफरेंट जो है पोजिशन ऑन डेवलपमेंट चार्जेस उसके डिफरेंट है। वो उसकी डिटेल्स आप हम लोगों से मैसेज करके, कॉल करके भी ले सकते हैं। अब फर्दर आगे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स कौन हैं। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स हैं मैक्सेंस, और अगर मैं मैक्सेंस की आप लोगों से बात करूँ, मैक्सेंस ने पहले ही पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में इतना ज़्यादा काम किया हुआ है। DHA लाहौर में इन लोगों ने काम किया हुआ है, इनके एग्रो फार्म्स में इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, गैस के सेक्टर में इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। दे आर वेरी वेल नोन डिवेलपर्स, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत ही कहते हैं जिस तरह से कि
वर्क वाइज बहुत ही एथिकली ये लोग काम करते हैं, दे आर वेरी वेल नोन पीपल। और इस टाइम पे नोवा सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, नोवा सिटी इस्लामाबाद है, नोवा वन, उसके अलावा नोवा पेशावर, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इसके डेवलपमेंट जो है वो मैक्सेंस देख रहा है। फिर भी मैं आप लोगों से मैक्सेंस के कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीलात शेयर करना चाहूँगी और वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख सकेंगे। मैक्सेंस डेवलपर्स दे आर इन द मार्केट सिंस 1951, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। इसके जो इट इज़ अंडर द नेम ऑफ देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एम ए हलीम खान साहब एंड सन्स। अपार्ट फ्राम दैट इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है इस टाइम पर चल रहे हैं। लाहौर में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है जिसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। ओवरऑल इन्होंने शेखुपुरा में इस टाइम पर करंटली इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, अंडरपासेस, बिल्डिंग्स, कनाल्स, इरीगेशन्स, ये तमाम इस तरह की जो डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम है ये लोगों ने देखते हैं। DHA लाहौर में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम देखा है, उसके अलावा शेखुपुरा में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। कॉर्पोरेट 7 इनका एक प्रोजेक्ट है जिसको ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। फर्दर मोर देर ऑल्सो इन स्वी गैस इंडस्ट्री, देर इन एग्रो इंडस्ट्री एज वेल, देर इन फार्म्स इंडस्ट्री as well. So they're, I would say, definitely one of the most credible developers in the market of Pakistan right now. Aur furthermore, agar aap log chahe to Maxins search karke bhi mazid details inke bare mein hasil kar sakte hain. Aur iske alawa main ab aap logo se kuch details share karna chahungi investments ke hawale se. Aur uske alawa agar aap apne liye khud ke liye lena cha rahe hain to iska future kya hai. Nova City Peshawar basically अगर मैं इसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात करूँ, और जैसे मैंने बताया कि मैक्सिन इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उनके मुताबिक विद इन द टाइम पीरियड ऑफ वन एंड हाफ ईयर वो इस पर पोजेशन जो है देना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बहुत तेज़ी से इस पर काम होने वाला है। और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर फेज़ 2 लॉन्च करना है, इन्होंने यहाँ पर कमर्शल्स लॉन्च करने हैं, यानी कि इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स अ फुल फ्लेज हाउसिंग सोसाइटी दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्कूल, ग्रोसरी स्टोर्स, डिफरेंट प्ले ग्राउंड, पार्क्स, एवरी थिंग दैट इज़ बेसिकली नीडेड फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल विल बी अवेलेबल ओवर हेयर। तो ये इन तमाम चीज़ों पर काम होने वाला है। तो अगर उस लिहाज से देखें, अभी नया प्रोजेक्ट है, ठीक है, रेट्स उसके कंपेरेटिवली बहुत कम है, और इस रेट के ऊपर पेशावर की सराउंडिंग में ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर लैंड। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी रीज़नेबल, एंड यहाँ पर विद इन आप कह सकते हैं विद इन टाइम पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स मुश्किल है कि आप लोगों को इस रेट के ऊपर जो है यहाँ पर प्लॉट मिल सकेगा, बिकॉज अभी भी इसके ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ जो बुकिंग अमाउंट आप लोगों को बताई जा रही है उसी पे आप लोगों की बुकिंग हो सकती है, और आगे जाकर जो है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स इसके ऊपर वैसे ही प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसके रेट्स दोबारा रिवाइज होंगे जब एक दफ़ा ये इनकी पूरी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाएगी। तो दिस इज़ समथिंग जो मैं आप लोगों को चाहूँगी कि इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ कंसिडर कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि क्लाइंट्स जो है वो वक्त पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और बाद में उसके रेट्स ऊपर चले जाते हैं, वो रीसेल पर होती है, उसमें प्रॉफिट आ जाता है, तो फिर वो उस टाइम पर रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश हम पहले कर लेते। आई होप कि आप लोग इस वक्त से ना गुजरें और आप लोग एक स्मार्ट डिसीजन लें, एक वाइज डिसीजन लें, और आज ही इस प्रोजेक्ट में आप लोग बुकिंग करवाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कम्प्लीटली सेफ इन्वेस्टमेंट है, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट, चाहे आप लोगों ने अपने लिए लेनी हो रेजिडेंशियल पर्पसेज के लिए लेनी हो, चाहे आप लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेज के लिए लेनी हो, दोनों लिहाज से इट इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मोर देन दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एज वेल। बहुत सा ख्याल रखिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अमानत.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।